नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस स्पेशल क्लास में स्वागत है। जैसा कि सभी को ध्यान है, कल जेईई एडवांस का पेपर हुआ है, तो उसके पेपर वन का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि ध्यान है, दो पेपर थे फिलहाल, आज हम पहले पेपर वन की बात करेंगे। जहां तक पेपर के लेवल का बात है, यह मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल माना जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं। बहुत ज़्यादा ईजी कभी भी एडवांस में आता ही नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं इसको यदि कंपेयर करूँ पिछले दो तीन साल के पेपर में, तो ये ठीक है। 2016 के पेपर से तो थोड़ा कंपैरेटिवली हल्का माना जा सकता है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छे स्तर का पेपर था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं। देखिए, ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो अब तक सभी ने देख लिए होंगे, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। हमसे ये कहा गया है, ये मेरे ख्याल से इस पेपर का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो। हम आमतौर पर जब URMS, ये क्वेश्चन क्या है मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। बेसिकली बच्चों, हमको यहाँ पर तीन तरह के वेग की बात की गई है। एक URMS होता है, ये मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, फिजिक्स के साथ कॉमन होता है। UMP और UAverage, है ना। मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसके बारे में एटलीस्ट जानते हैं कि तीन तरह के वेग होते हैं, ठीक है। अब इनके हम फॉर्मूले पढ़े करते हैं, और जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आमतौर पर हम ये बोलते हैं कि इनका जो रेशो आ रहा है वो ये वाला आता है, 1:1.1284 एंड 1.2248, ठीक है ना। आमतौर पर ये रेशो आता है क्योंकि इनके फॉर्मूले यूज करते हैं जब हम URMS का फॉर्मूला, UMP और UAverage, है ना, तीनों के फॉर्मूले जब हम यूज करेंगे तो ये अनुपात सी वाला आया करता है। लेकिन यदि इसको इतना ही क्वेश्चन पूछना होता तो वो ये प्लॉट नहीं देता, ठीक है। ये जो प्लॉट है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड के बीच का प्लॉट है, और साफ दिखाई देता है कि ये एक सिमेट्रिक प्लॉट है। यहां से मामला गड़बड़ हो जाता है। हम जो प्लॉट देखा करते हैं ना बच्चों, वो वाला प्लॉट इस तरीके का नहीं होता जिससे ये फॉर्मूला आए, वो कुछ इस तरह का प्लॉट हुआ करता है। यदि आपको ध्यान हो तो वो इस तरह का प्लॉट होता था। ये प्लॉट एक सिमेट्रिक प्लॉट है, और ऐसा होने की वजह से जो यहां पर ये जो हम UMP बताते हैं वही इसका UAverage हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन की खासियत है। नो नीड टू गो फॉर एनी कैलकुलेशन, किसी तरह की कोई कैलकुलेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ेगी। URMS तो खैर हमेशा ही आई आएगा, लेकिन UMP और UAverage जो हैं आपके सेम हो जाएंगे। यहां पर क्वेश्चन आ सकता है या बन सकता है कि सर URMS हाई क्यों है, क्योंकि बच्चों URMS का जो फॉर्मूला है वो ये साफ साफ बताता है, जो बेसिक फॉर्मूला है इसका वो तो ये है कि नहीं कि भाई स्क्वायर करो, एवरेज लो, रूट निकालो, है ना। ये आपका U2 का स्क्वायर, U3 का स्क्वायर डैश 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 हम लोग कह सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समेशन n से, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ध्यान है। तो अब बेटा क्या होगा कि भले ही ये एक सिमेट्रिक प्लॉट है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होगा कि जब आप स्क्वायर के फॉर्म में देखेंगे ना, तो जितनी हाई स्पीड है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हायर होता जाएगा। यानी कि जैसे मैं एक, आप इसको एग्जाम्पल लेके कर भी सकते हो, कोई भी दो वेलोसिटी या तीन वेलोसिटी ले लीजिएगा और उसका स्क्वायर करके देखिएगा, तो जब हाई वाले का स्क्वायर करेंगे तो उसका इफेक्ट और भी ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए URMS तो यहां बड़ा ही होगा जो नॉर्मल होता है वो, लेकिन जो आपका UMP और UAverage है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, सिमेट्रिक था। आंसर इसका बी होगा। ये मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है ना। हम तीन कैटेगरी के अंदर क्वेश्चंस को रखेंगे, डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी। मैं इसे डिफिकल्ट कंसिडर करूंगा, उसके पीछे लॉजिक ये है कि एग्जाम में जब कोई चीज हमारी रेंज में आ जाती है, जब हमारा कुछ याद किया हुआ मिल जाता है, तो हम उसमें फिर ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते, ठीक है ना। हम सीधा सीधा सी ऑप्शन को करेंगे, क्योंकि यहां पर जानबूझकर ऐसा ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है। आप सोचोगे भी सही, लेकिन फिर भी यहां गलती होने की गुंजाइश अच्छी खासी है। ये क्वेश्चन कम बच्चों का सही हुआ होगा रिलेटिवली, इसीलिए मैं इसे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट कैटेगरी में रख रहा हूं। यहां बैठकर सॉल्व करना और एग्जाम हॉल में गिवन टाइम में सॉल्व करना, दोनों चीजों में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो बच्चा इस एग्जाम में नहीं बैठा है, हो सकता है उसे इस क्वेश्चन को देखकर लगे अरे सर ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं, लेकिन बच्चों जब वही पेपर हमारे सामने आता है तो एक अलग प्रेशर कंडीशंस होती हैं, उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो चीज डिफाइन करती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन नहीं है, सबसे अच्छी बात इतनी थी कि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, अदरवाइज न्यूमेरिक इंटीजर वालों में बहुत कैलकुलेशन IIT वाले डालते हैं, ठीक है। यहां ये आसान क्वेश्चन, इस हिसाब से
की कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल डिफिकल्ट क्योंकि गलती होने की गुंजाइश बहुत भारी है, जिन्होंने दिया है उनको मालूम। अगला, ये मेरे ख्याल से इस पेपर का सबसे आसान प्रश्न माना जाएगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब आप समझते ही हैं बच्चों सभी, जल अपघटन बोलते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस पे इनमें से कौन ऑक्सीजन बनाता है? मुझे लगता है सभी बच्चों को मालूम होगा, एक बहुत ही पॉपुलर फैक्ट है, कोई भी ऑक्साइड होता है हाइड्रोलाइसिस करने पर वह हाइड्रोक्साइड बनाता है यदि वो डिजोल्व हो तो, है ना, काफी पॉपुलर फैक्ट है, सभी ने सुना होगा शायद। परऑक्साइड यदि बच्चों हैं तो वह हाइड्रोलाइसिस होने पर H2O2 प्लस हाइड्रोक्साइड तो वो बनाता ही है, जो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड है वो तो बनेगा ही बेटा। सुपर ऑक्साइड यदि कहीं होता है, सुपर ऑक्साइड जानते हैं क्या? सुपर ऑक्साइड जो है वो आपका, सुपर ऑक्साइड से सभी परिचित होंगे, O2 माइनस को कहते हैं। सुपर ऑक्साइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बच्चों, तो ये आपका H2O2 के साथ O2 भी देता है, ठीक है। तो यहां पर एक बात तो क्लियर दिखाई दे रही थी कि मात्र एक ही है इसमें जो सुपर ऑक्साइड है, KO2, ये आपका परऑक्साइड है, ये भी परऑक्साइड है। KO2 सुपर ऑक्साइड क्यों कह रहा हूं, जानते ही हैं सभी लोग, IIT का एग्जाम दे रहे हैं तो K+ एंड O2 माइनस होता है, ठीक है। हाँ, यहां PB3O4 जो है बेटा, PB3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है यदि आपको मालूम हो, इसको रेड लेड बोलते हैं, सिंदूर सामान्य भाषा में इसको सिंदूर बोला जाता है, सुहाग के निशान सुना होगा, सिंदूर, है ना। सो PB3O4 पानी में घुलता नहीं है, यह डिजोल्व ही नहीं होता। अब डिजोल्व ही नहीं होगा तो फिर हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा इसका, यानी यह हाइड्रोलाइज नहीं होता, यह सुपर ऑक्साइड है, बाकी दोनों पर ऑक्साइड है, इसलिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। KO2 के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कभी कभी एग्जाम में वह भी दिखाई दे जाता है, हो सकता है अगली बार वो पूछे। इसका इस्तेमाल सब मैरिन में करते हैं और वो इस वजह से ही किया जाता है क्योंकि यह ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करता है, साथ में CO2 को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, यानी कुल मिलाकर के इसके दो फायदे कहे जा सकते हैं, है ना, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। इसको निश्चित तौर पर हम इजी कहेंगे क्योंकि यही इस पेपर का शायद सबसे आसान प्रश्न बच्चों को लगा होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत लंबी कहानी है, इसको शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है, शॉर्ट में समझा देता हूं, हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी। बात यह कही गई है कि दो मेटल है हमारे पास, एक्स और वाई, ठीक है, कलर का बदलाव करता हूं, देखिएगा एक्स और वाई है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में समझा देता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। इसको हमने डिसॉल्व किया है किसके अंदर, NaCl में, यानी NaCl से इसका ट्रीटमेंट करवाया है। ऐसा करने की वजह से इसने पी और क्यू दो सब्सटेंस बनाए हैं, ठीक, पी और क्यू व्हाइट कलर के हैं, हॉट वाटर में इनमें से पार्शियली डिजोल्व होता है, इसका मतलब एक डिजोल्व होता है एक डिजोल्व नहीं होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अभी तो हमको नहीं मालूम कि कौन डिजोल्व होता है कौन नहीं होता है ना, सो मैं यहां कह रहा हूं कि आंशिक रूप से ये घुलता है, आंशिक रूप से घुलेगा, आंशिक रूप से घुलेगा, पूरा अवक्षेप नहीं घुल रहा, आंशिक रूप से घुला। आंशिक रूप से घुलने का मतलब ही सीधा यह है कि इनमें से कोई एक ही घुलेगा दूसरा नहीं घुलेगा, ठीक है ना, आंशिक रूप से यह घुल गया है। अब P और Q के बारे में जानकारी दे रखी है कि अच्छा इसने ये कहा है कि सॉल्यूशन ऑफ Q घुल जाता है, ठीक है ना, Q घुल रहा है ऐसा लिखा है, Q घुल रहा है, P नहीं घुल रहा है, P की अलग से क्रिया करवाई गई है अमोनिया के साथ, इससे ये एक कॉम्प्लेक्स में बदल जा रहा है जो सोल्यूबल इन एक्वस अमोनिया, है ना, और एक्सस साथ में Na2S2O3 जो कि बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन मानी जाती है, इससे भी ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक। क्यू के बारे में जानकारी दे रखी है कि ये KI के साथ येलो कलर बनाता है, ये कुल मिलाकर के तुम्हारे को इंफॉर्मेशन जो दी हुई है बच्चों वो ये वाली है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है देख लीजिए, फिर बोल रहा हूं हिंदी मीडियम वालों के लिए सुन लीजिए। एक्स और वाई दो मेटल हैं, NaCl में उनको डिजोल्व किया, पी और क्यू मिला, क्यू हॉट वाटर में डिजोल्व है, पी डिजोल्व नहीं है, पी की दो अलग रिएक्शन दे रखी है, क्यू की एक ही रिएक्शन दे रखी है, येलो कलर बनता है। इसको आसान माना जाएगा, उसका कारण है कि जितनी भी रिएक्शनों की बात हुई है वो बहुत बहुत पॉपुलर है, सारी की सारी सिंपल सी चीज है, सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट की यहां बात हो रही है, ऐसा हम कैसे विश्वास के साथ कह सकते हैं। देखो बच्चों, जब ये रिएक्शन होती है तो AgCl बनता है और PbCl2 बनता है, दोनों वाइट हैं। जब इसको हॉट वाटर के साथ हम ट्रीट कराते हैं ना तो PbCl2 घुल जाता है,
PbCl2 डिसॉल्व, PbCl2 घुल जाता है, AgCl नहीं घुलता है, ठीक है, AgCl नहीं घुलता, PbCl2 जो है वो आपका डिसॉल्व हो जाता है। AgCl की रिएक्शन अमोनिया से, यानी कि बेटा ये तो कंफर्म हो गया कि आपका ये पी माना जाएगा और ये क्यू माना जाएगा, ठीक है। अमोनिया से इसका ट्रीटमेंट कराने पर यह इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह भी एक बेहद पॉपुलर रिएक्शन मानी जाती है, सोडियम थायोसल्फेट जिसे हाइपोसोल्यूशन भी कहते हैं के साथ ट्रीटमेंट कराने पर भी यह एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसे भी हम काफी पॉपुलर रिएक्शन मानते हैं। और इसी प्रकार से जब PbCl2 की क्रिया KI से कराई जाती है तो यह PbI2 बनाता है जो कि येलो कलर का है, यानी कि पीले रंग का है, ठीक है। तो इसको हम आसान कह सकते हैं क्योंकि AgCl का व्हाइट कलर और PbCl2 का व्हाइट कलर सभी को ध्यान है। वैसे तो यह क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस का है, पर यकीन मानिए इसके लिए स्पेसिफिकली सॉल्ट एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप थोड़ा बहुत डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन को भी पढ़ लें तब भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोर सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया हो, बहुत डिफिकल्ट सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। सो यानी कि यहां पर AG और PB इज द आंसर, इसे इजी क्वेश्चन कहा जाएगा। यह JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से कठिन नहीं है। हाँ, ये प्रश्न नीट में आता तो निश्चित तौर पे मैं उसको वहां डिफिकल्ट कैटेगरी में रखता, लेकिन यहां पर इसे इजी कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू आर एंड एस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। देखिए इसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, यानी पूछा क्या है गया है बेटा, पूछा है समरूप अणु हैं, ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं है, इनको बनाते हुए जाना है और फिर चेक कर लेना है। यही प्रश्न यदि स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व करते हुए होता तो निश्चित तौर पर डिफिकल्ट कहा जाता, लेकिन अभी यहां कोई स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है। न्यूमैन में आप समझते हैं ना कैसे करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर आप किस तरह से इसको बनाइएगा, हमको कोई लेना देना नहीं है इसके स्टीरियो केमिस्ट्री से। ये आगे वाला कार्बन मान लिया, ये सर्किल पीछे वाला कार्बन मान लिया, तो ये भाई CH3 जुड़ रहा है यहां पर, ये CH3 जुड़ रहा है यहां पर, ये C2H5 जुड़ रहा है यहां पर, है ना। और पीछे वाले के अंदर जाएंगे तो कौन कौन है बेटा, OH है, CH3 है, CH3 है, इस तरह से सभी को बनाकर और उनके IUPAC नाम देखने थे। इतना सा हिसाब है, लगता तो ये बहुत भारी है क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते ही हमें थोड़ा सा लगता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई है क्या। तो जब इसमें करना कुछ भी नहीं है बच्चों, इसको लिख करके उनके IUPAC नाम बनाने थे। अब IUPAC नाम उम्मीद है सभी को आराम से आते होंगे, तो सभी को जब आप बनाकर देखिएगा तो क्यू और आर जो है इसके अंदर वह सेम आएंगे। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, सरल सा लॉजिक है। ये लगता है स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन बेसिकली है नहीं स्टीरियो का, ठीक है ना। सो इसको हम मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, कंपैरेटिवली ना बहुत इजी नहीं कह सकते और डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एक मॉडरेट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इन सबको बनाना और फिर उसको IUPAC नाम देना, ठीक है बच्चों। बाकी डिफिकल्ट बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते इसको। अगला प्रश्न, ये एक आसान सवाल माना जाएगा क्योंकि ये सीधा की सीधा IUPAC नाम पर आधारित है। IUPAC नाम के सभी को नियम मेरे ख्याल से मालूम है ना। केवल नंबरिंग करके इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, अब नंबरिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर सबको यह तो ज्ञात है कि कार्बोक्सिलिक वाले को 1 मिलेगा। सो 1, 2, 3, लॉन्गेस्ट की बात करूं तो 4, 5 एंड 6 इधर भी जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां देखूं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहां देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहां देखें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। केवल नंबरिंग करके कैसे मैं कह रहा हूं, 2-हाइड्रोक्सी से तो कोई हिंट बिल्कुल नहीं मिलना क्योंकि आप देख रहे हैं सभी के अंदर 2 पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 2-हाइड्रोक्सी से तो कोई हिंट नहीं मिलने वाला है। सीधी बात है, इससे थोड़ा सा आइडिया हमको लग जाएगा कि 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कि नहीं है,
ठीक है। फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप क्या जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, क्या यहां पर मिथाइल ग्रुप फोर्थ पोजीशन पर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहां पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है फोर्थ पोजीशन पर, ये इथाइल ग्रुप है बेटा, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ पोजीशन पर यहां भी कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, दो और तीन और चार बॉन्ड तो पूरे हो चुके हैं, फोर्थ पोजिशन पर यहां मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहा है। So, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको कंपैरेटिवली इजी बोला है, क्योंकि आप केवल नंबरिंग करके, पूरा भी नाम नहीं भी करना आता तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, केवल नंबरिंग के बेसिस पर इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। हालांकि शक्ल इनकी थोड़ी डरावनी लगती है। देखिए आईटी वाले की खासियत यही है, आईटी के जो पेपर है ना उसकी खासियत यही है, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ा सा घबराहट के अंदर आता है, वो सिंपल से सिंपल बात को भी अलग तरीके से पूछते हैं। लेकिन आप यकीन मानो जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे ना, पहली बार नजर मारोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा प्रश्न, लेकिन यदि आप उस क्वेश्चन से थोड़ा सा लड़ने की कोशिश करोगे तो वो प्रश्न होता जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आपकी पहले की हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन देख करके नहीं घबराना आईटी के अंदर कभी भी, क्योंकि 100% वह आप उसको थोड़ा सा उसमें घुसोगे ना क्वेश्चन में तो वो सॉल्व होता जाएगा, यही विशेषता होती है आईटी वालों की, ठीक है। So, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, इसमें कोई तकलीफ मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को आएगी ये, ठीक है बेटा। अब देखो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने का बस सिंपल सा तरीका है, ये मैंने क्रैश कोर्स जब किया था तो उस समय इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने कराए थे और ये महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इरिथ्रो समझते हैं ना, क्योंकि दोनों OH सेम साइड है तो इस तरह के को हम इरिथ्रो बोलते हैं। आपको इसमें करना क्या है मैं बताता हूं, सिंपल बात यह है कि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, दो कैरल कार्बन है, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन पता करना है बस। जैसे ही आप इनका कॉन्फ़िगरेशन सही निकाल लेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पहले तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, बाकी सब बाद में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं किसको नंबरिंग दूंगा, इसको नो डाउट OH वाले को। क्यों दूंगा OH वाले को मेरे भाई, क्योंकि ओ सर्वाधिक परमाणु क्रमांक युक्त है। आप समझते होंगे, मुझे उम्मीद है कि CIP रूल आपने पढ़े हैं, कौन इनगोल्ड प्रीलॉग जिसको हम बोलते हैं। सेकंड नंबर पर आपका CHO आएगा, क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन कंसीडर किए जाएंगे। CHO जो बेटा ग्रुप है ना ये वाला, इसको मैं यहां पर ट्रीट जब करूंगा ना तो ऐसे ट्रीट करते हैं, ये ऑक्सीजन, ये इधर कार्बन है ना, काल्पनिक रूप से इसको हम कंसीडर करते हैं। एक ऑक्सीजन से तो ये जुड़ा ही हुआ है, लेकिन एक ऑक्सीजन को इमेजिनरी तौर पर जुड़ा हुआ मानते हैं, ऐसा कंसीडर करते हैं इनको, है ना। डबल बॉन्ड वाले को इस तरह से कंसीडर किया जाता है यहां पर। तो ध्यान रखना कि ये आपका नंबर टू ग्रुप होगा और नंबर थ्री ग्रुप ये पूरा की पूरा कार्बन होगा, ये पूरा के पूरा कार्बन नंबर थ्री होगा। अब H साइड में है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, H साइड में है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि ये 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये होगा R, यह R हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन R जो है वो H जो है न्यूनतम वरीयता वाला वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। यदि आपको ध्यान हो तो यह एक नियम है कि न्यूनतम जो वरीयता वाला है वह आपका वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। यदि न्यूनतम वरीयता वाला वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो आ रहा होता है उसका उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है। इसका भी इसी तरीके से निकालेंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर इसका भी रहेगा। तो ये दूसरे वाले का भी बेटा, सेकंड वाले का भी आर आएगा, यानी कि यह भी आर है और यह भी आर है। अब हमको करना क्या है, अब ये जो यौगिक दे रखे हैं, ये जो कंपाउंड दे रखे हैं, उनमें आर एस पता करना है। उसमें नियम क्या काम आता है, देखो बेटा ध्यान रखना, एक एक कार्बन पर चेंज यदि होता है, यदि कॉन्फ़िगरेशन एक कार्बन पर चेंज होता है, एक पर नहीं, तो इसको डाइस्टीरियोमर बोलते हैं। डाइस्टीरियोमर एडेंटिकल और एनेंशियमर तीन दिए हैं ना, तो इसको डाइस्टीरियोमर बोलते हैं, या इसको हम विवरिम समाविवि बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में बेटा बोलते हैं इसको विवरिम। ओके गाइस, दोनों कार्बन पर, दो कार्बन पर, यानी दोनों कार्बन पर यदि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, यानी RR से SS हो जाता है या SS से RR हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, दो कार्बन पर यदि चेंज होता है तो ऐसी स्थिति में उसको हम एनेंशियोमर बोलते हैं। एनेंशियोमर का मतलब होता है प्रतिबिंब समावेगी, निश्चित तौर पर आपने इनको सुना होगा टर्म्स को, इसको बोलते हैं बेटा प्रतिबिंब समावेगी, वो विवरिम है और ये प्रतिबिंब है। तो बस अब इनमें हमको R और S निकालने हैं, इनमें हमको R और S निकालने हैं। तो देखिएगा, जैसे कि फर्स्ट वाला हम किससे मैच कराएंगे, इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसको अलग से लिख करके और फिर आपको बता रहे हैं। देखिए
क्या कर रखा है यहां पर, दो कार्बन है बेटा, है ना। देखिए इसमें एक इसमें मैं बता देता हूं फिर आप कीजिएगा। देखिए सी एच ओ है, डैश पर एच है और फिर ओ एच है। ये रहा सी एच ओ, डैश पर एच है और वेज पर ओ एच है, ठीक है बेटा। फिर यहां पर डैश पर ओ एच है और वेज पर एच है और सी एच टू ओ एच है, ठीक है ना। डैश पर ओ एच है, वेज पर एच है और यहां सी एच टू ओ एच है। इसमें हमको आर और एस करना है और तुलना करनी है जो दिया गया योगी के उससे। सो देखिए इसमें आर एस कैसे करेंगे, इसमें आर एस कैसे करेंगे। देखो यहां पर भी नियम ध्यान रखना कि एच जो है ना वो डैश लाइन पर हो, डैश लाइन पर होना चाहिए। यदि डैश लाइन पर नहीं है और वेज लाइन पर है तो फिर आर को एस और एस को आर किया जाता है, ठीक है। वेज और डैश के लिए यह रूल होता है, जैसा मैंने कहा यह हमने क्रैश कोर्स के टाइम पर एक क्लास है उसको देख लीजिएगा यदि चाहे तो, वहां आपको यह समझा रखा मैंने पूरा डिटेल, ठीक है ना। सो देखिए यहां पर क्या होगा बेटा, सबसे पहला नंबर वन तो OH आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नंबर टू पर हम CHO को रखेंगे, इसको क्यों नहीं लिया, इसमें एक ऑक्सीजन है, इधर तो कार्बन है, जबकि इसके अंदर हम दो ऑक्सीजन ट्रीट करते हैं। मैंने अभी समझाया था आपको कि इसमें दो ऑक्सीजन ट्रीट करते हैं, थर्ड तो निश्चित तौर पर यही कार्बन होगा, एच फोर्थ है। सो ये वन से टू से थ्री, वन से टू से थ्री क्लॉकवाइज आ रहा है और एच डैश लाइन पर ही है, इसका मतलब इसे मैं आर ही बोलूंगा। ये तो बेटा आर हो जाएगा आपका, ये वाला जो है वो आर हो जाएगा। अब नीचे इस दूसरे वाले की बात करता हूं तो यहां पर डैश पर ओ एच है, वेज पर एच है और ये ओ एच है और ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखो इसको कैसे करना रहा, सबसे पहला नंबर ओ एच को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सेकेंड नंबर इस पूरे ग्रुप को मिलने वाला है, नो डाउट, यहां ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जबकि यहां कार्बन है पहले पर, तो नो डाउट इसको सेकेंड दूंगा। ये वाला आपका थर्ड रहेगा, फोर्थ कोई कहने की बात नहीं है कि कौन है, फोर्थ कोई कहने की बात नहीं है। सो वन से टू से थ्री एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन एच किस पर है, वेज लाइन पर है, इसका मतलब इसे आर कहा जाएगा। तो बच्चों जब आर और आर आए, यानी कि पहले वाला जो कंपाउंड है बेटा वो भी आर और आर है और यह जो आ रहा है वह भी आर और आर आ रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। जो मैंने अभी आपको समझाया कि ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। हालांकि ये और भी सभी के अंदर मिल रहा है, तो जब आप इसका 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 और इन सभी का बिल्कुल सेम टेक्निक से निकालेंगे तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वह मैच करेगा। यानी कि पी जो है बेटा वो तो आइडेंटिकल है जैसा अभी हमने बता दिया, क्यू जो आएगा वह डाइस्ट्यूमर आएगा, डाइस्ट्यूमर आने का मतलब मैंने समझा दिया है एक कार्बन पर बदले और दूसरे पर ना बदले। आर आपका फिर से जो है वो डाइस्ट्यूमर आएगा और एस जो है वह आपका एनेंशियमर आएगा। एनेंशियमर का मतलब आर आर आ रहा है ना, तो यहां पर एस एस हो गया होगा, ठीक है। कुल मिला के जो फंडा आपको यूज करना है वो ये वाला है, इसको मैं यहां सेपरेटली बता देता हूं आपको, आपको इस चीज को यूज करना होता है, ठीक है बेटा। नियम कायदे क्या है समझ गए, डैश लाइन पर होना चाहिए नहीं तो चेंज करना पड़ेगा आपको, और इस वाले में क्या करना है, इस वाले के अंदर वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर रेखा पर होना चाहिए, होरिजेंटल पर होने पर आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन टू आ गया है, छह क्वेश्चन है। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद या सबसे ज्यादा नुकसानदायक दोनों सिद्ध हो सकते हैं, कारण कि इसमें पार्शियल मार्किंग है। सबसे बढ़िया बात है कि आपको जो आता है यदि आपने वो कर दिया तो आपको फायदा ही फायदा है, लेकिन आपने लालच थोड़ा सा ज्यादा किया, डाउट वाले को भी टिक करके आ गए तो सीधा माइनस टू है ना। तो ये बहुत अच्छा पोर्शन है, इसमें आप चाहे नंबर उतने कमा सकते हो, आपके तीन ऑप्शन करेक्ट है, आपको सिर्फ एक आता है तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, पर आप दो में मत हाथ डालो फिर, ठीक है ना। सो ये एक अच्छा पोर्शन मान सकते हैं। क्या क्वेश्चन था, देखिए थर्मोडायनेमिक्स में पीवी वर्क जो है वो इससे दिया जाता है, हम सबको मालूम है माइनस पीडीवी से देते ही हैं, ठीक है। अब ये एक सिस्टम है जो इस प्रोसेस में जा रहा है, ये इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कह सकते हो, क्यों सिंपल कह रहा हूं देखिए अभी पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, सबसे पहली बात है ना। देखिए डब्ल्यू बराबर माइनस का पी एक्सटर्नल डीवी, ये तो हम यूज करते ही हैं वर्क डन के लिए, बिल्कुल हम यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये जो P की जगह आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, P की जगह क्या लिखा हुआ है, ये कहां से आया, आपको ध्यान है ना, वंडरवाल इक्वेशन क्या कहती है बेटा, वंडरवाल इक्वेशन क्या कहती है, फॉर वन मोल P अपॉन V स्क्वायर, जिसको Vm भी बोल सकते हैं, Vm ही लिखना चाहिए, V माइनस B इक्वल्स टू RT।
यहां से प्रेशर की एक्सप्रेशन यदि मैं निकालता हूं तो वह हो जाएगी RT upon V minus B minus A upon V square. देखिए प्रेशर की जगह यही चीज यूज की हुई है, यूज कर रहे हैं ना, प्रेशर की जगह ये यूज कर रहे हैं, प्रेशर की जगह ये यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं। और साथ में ध्यान रखना कि यहां P एक्सटर्नल को P गैस मान लिया गया है, ये लगभग बराबर सिर्फ किसका केस होता है, रिवर्सिबल में ऐसा माना जा सकता है। वैसे भी देखिए इंटीग्रेट करके निकाला गया है, हमको मालूम है कि ये जो समाकलित करते हैं वह उत्क्रमणीय प्रक्रम की निशानी होती है, क्योंकि वह प्रक्रम अनंत सूक्ष्म पदों में हुआ करता है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में होता है, तो कुल कार्य आप इंटीग्रेट करके निकालते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब निश्चित तौर पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब हमको इतने से तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि यह आइसोथर्मल है या एडियाबेटिक है, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला तो वही पीडीबी होता है। हाँ, रिवर्सिबल है इतना ज्ञात हो गया है, कैसे ज्ञात हुआ, इंटीग्रेशन कर रखा है, दूसरा पी एक्सटर्नल पी रिवर्सिबल के बराबर माना हुआ है, तभी तो ये फॉर्मूला पी गैस वाला यहां पुट कर दिया। बस डी नहीं होगा ये कंफर्म है, क्योंकि यहां डी किसके लिए है, इररिवर्सिबल के लिए, ठीक है। तो इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं थी, इसीलिए ये फिर भी एक मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें इन दोनों के बीच में कई बार हमको कंफ्यूजन हो सकता है कि वेदर वी आर इन अ स्टेट टू फाइंड आउट कि आइसोथर्मल है कि एडियाबेटिक है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखने लायक है। ये पार्शल है, ये भी मॉडरेट है, पार्शल सही कर सकते हैं बहुत आसानी से, पूरा सही नहीं भी कर पाओ तो इसको आसानी से ज्यादातर इसमें से सही कर सकते हैं। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, मैं ऑप्शन बता देता हूं। फर्स्ट बोल रहे हैं द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड वन इज ड्यू टू डीलेकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेटेड बेस, यानी कि वन की अम्लीयता, मैं आपको बताता हूं ये क्या कहना चाह रहे हैं, वन की अम्लीयता संयुग्मी क्षार, समझते हैं कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार में वी स्थानीकरण के कारण है। ये क्या सब है, कुछ नहीं है, देखिए सिंपल सी बात है कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है क्या इसके अंदर, बिल्कुल होगा। आपको मालूम है ना कि यहां से इस H को मैं हटाऊंगा तो ये तो सभी बता सकते हैं कि तीन तीन तो यहां बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो डीलोकलाइजेशन तो क्यों नहीं होगा, बताइएगा, है ना। तो ये जो कंजुगेटेड बेस इससे बनने वाला है वो थोड़ा डीलोकलाइजेशन करेगा, हालांकि कभी भी इस तरह से हाइड्रोजन निकालना आसान नहीं होता है, लेकिन यहां पर इन रिंग की वजह से ये थोड़ा बहुत एसिडिटी दिखाएगा, यानी फर्स्ट करेक्ट है। The conjugated base of compound 4 is aromatic. क्या फोर्थ वाले का aromatic है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इस बात को समझते होंगे कि हकल रूल को जो फॉलो करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, इसको पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब यह aromatic बनेगा। और मान के चलें कि जहां aromatic बन रहा हो, हाइड्रोजन को निकालने के बाद यदि aromatic बन रहा हो तो कन्फर्म है कि वो बहुत ज्यादा एसिडिक होने वाला है, ठीक है। सी कंपाउंड टू बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज माइनस एनओ टू, जिसमें माइनस एनओ टू सब्स्टिट्यूट जुड़ा हो। बेटा इसमें मैं एनओ टू यदि समूह जोड़ देता हूं तो उसका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट है, सबको मालूम है कि एसिडिक करेक्टर बढ़ाने वाला है। तो एटलीस्ट आपके ये तीन ऑप्शन करेक्ट है, ये तो मुझे लगता है कि कोई बच्चा इसमें गलत करेगा ऐसा नहीं है। हाँ, डी वाला जरूर आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, तो डी वाले को नहीं छेड़ना चाहिए था, है ना। यदि ऐसा लगता है तो ये आपके तीन ऑप्शन आपने करेक्ट कर दिए हैं। डी वाला भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि सीधा मैंने हिंट दे दिया है कि जो टॉप पर आना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए ना, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला तो पीछे होगा इससे भी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 हो जाती है ना। जो ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन होता है ना, sp वाला, 3.25 हो जाती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये तो हो नहीं सकता था, फोर्थ वाला ज्यादा होगा, तो ये भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ रही है डी ऑप्शन के अंदर। बाकी तीन ऑप्शन तो आसान थे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक से एक प्रश्न जरूर आईटी हर साल पूछती है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कंसिडर किया गया है ऐसा मान सकते हैं। इजी मॉडरेट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आईटी के अंदर किस स्तर पर प्रश्न जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न बहुत भारी आते हैं, अक्सर आईटी के बारे में एक इमेज सेट है कि आईटी है तो इसका मतलब तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो देखिए बच्चों, उसी रिस्पेक्ट में कट ऑफ भी तो इनकी ये 25-30% के बीच में ही तो रखते हैं। कौन से एग्जाम की कट ऑफ 25-30 के बीच में होती है, या फिर मैं सिलेक्शन की कैटेगरी मानूं तो 50% हमेशा से एक सेफ स्कोर माना जाता है आईटी के अंदर, कोई पेपर हो। सो 50% पे सिलेक्शन भी होता है,
सेम चीज है, यदि नीट का पेपर इजी आता है तो वहां परसेंटेज भी तो 80% चाहिए ना, उसी रेस्पेक्ट में चीजें वहां डिफिकल्ट हो जाती है। बात वही है घूम फिर करके, वहां इजी आता है तो परसेंटेज 80 चाहिए, या डिफिकल्ट आता है तो 50% यदि आपका स्कोर है तो अच्छा कॉलेज मिलता है। ठीक है बच्चों, ये निश्चित तौर पर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, इसलिए डिफिकल्ट कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत हमको ज्यादा लगानी पड़ेगी, प्रोडक्ट कई सारे बनाने हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। सबसे पहले तो आप समझ चुके होंगे कि ये एनहाइड्राइड है और AlCl3, इसका मतलब इट शुड बी व्हाट, विच रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होना चाहिए, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन इसको हम कंसिडर करेंगे, है ना। तो इसके अंदर ग्रुप जाके जुड़ेगा, अब कहां जुड़ेगा ये क्वेश्चन क्रिएट होता है, पोजीशन कौन कौन सी बेटा, यहां भी जुड़ सकता है, यहां जुड़ सकता है, यहां जुड़ सकता है इस रिंग पर, और तो कोई पोजीशन है नहीं, यहां और यहां तो नहीं जाएगा, यहां तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि ये तो बहुत बल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इतना बल्की है कि इधर तो नहीं जाएगा, इधर भी अवॉइड ही करेगा। दूसरा, यहां पर ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइपर कंजुगेशन क्रिएट करेंगे, तो इसका मतलब ये जो पोजीशन है ना जो मैंने मार्क की हुई है ये वाली, ये सबसे फेवरेबल है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं किसी रिंग पर, तो फिर आपको ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि पोजीशन कौन सी बेटर रहेगी कौन सी नहीं रहेगी। यानी कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए, बाकी तो सब कुछ चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं, ये तो एज इट इज चल रहा है आपका, है ना, इसको तो आप छिड़का नहीं कुछ करो मत, सीधी बात है कि यहां पर आपको इस ग्रुप को जोड़ देना है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है। ठीक है बेटा, यहां पर आकर के जुड़ जाएगा, यहां पर आके जुड़ेगा तो देखो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसके अंदर से कितने कार्बन है ये देखो, ये आपका यहां से ब्रेक होगा, ये वन ये टू, ठीक है, तो ये हो गया आपका वन ये टू, और उसके बाद ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, COOH हो जाएगा। सो क्यू के बारे में ऑप्शन जो है वो एक ही दे रखा है, तो क्या लगता है कि क्यू इज करेक्ट और नॉट, तो ये देखिए ये वन एंड टू कार्बन COOH, ये बिल्कुल सही है, क्यू यही होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है क्लीमेंसन रिडक्शन, अरे भाई ये तो क्लीमेंसन रिडक्शन इज अ वेरी पॉपुलर रिडक्शन, जिसमें क्या होगा ये CO ग्रुप CH2 ग्रुप में बदल जाएगा, उम्मीद है सभी बच्चे, ये तो आपका बेटा क्यू हो गया, सभी बच्चे इस बात को तो समझते होंगे ना कि ये जो आपका कंपाउंड है ना बेटा वो CO ग्रुप को CH2 में बदलने का काम करता है क्लीमेंसन रिडक्शन, इसी की तरह वुल्फ किशनर का यूज किया जाता है, कई जगह वुल्फ किशनर करते हैं, उसकी भी अपनी कंडीशंस होती हैं, लेकिन फिलहाल हम उसमें नहीं जाना चाह रहे कि वो क्यों यूज नहीं किया है, आप समझ सकते होंगे वैसे तो COOH ग्रुप दिखाई दे रहा है बच्चों को, है ना, पर उससे फिलहाल इस प्रश्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर निश्चित तौर पर अच्छा ये R नहीं है क्योंकि ये तो अभी बीच में बना है, फिर ये बोल रहे हैं कि H3PO4, H3PO4 के साथ इसको ऐड करूंगा ना, H3PO4 के साथ ऐड करेंगे ना बेटा, तो ये क्या है कि इसका डिहाइड्रेशन कर देगा, यानी कि COOH और यहां से H ग्रुप निकल जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट जो बनेगा ना आपका, देखिए मैं यहां शो कर रहा हूं, इससे जो प्रोडक्ट बनना है बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए आप ये तो आपके टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए, ये COO है और ये जुड़ गया, ऐसा बनना चाहिए। ठीक है ना, COO के साथ यहां पर प्रोडक्ट आपको बनना चाहिए, तो क्या ये प्रोडक्ट जो लिखा है वो सही है, R नहीं, ये CO इन्होंने यहां जोड़ रखा है, यहां तो कैसे आ जाएगा बताइए, R सही नहीं है, है ना, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब CH3MgBr है, H3O+ है, ये समझते हैं एल्कोहल बनाने वाली कंडीशन है, और फाइनली डिहाइड्रेशन फिर से करवा रहा है, तो यहां पर एल्कोहल बनाएंगे और फिर डिहाइड्रेशन यदि फाइनली करते हैं तो देखिएगा यहां पर CH3 ग्रुप जुड़ेगा, OH होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी क्लियरली ये यहां दिखाई दे रहा है कि जब हम इसके अंदर इस OMgBr OH बदलेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि ये S भी आपका करेक्ट है, वो वाला तो S देखिए आएगा नहीं क्योंकि इससे वो बनेगा, ये होता तो ये बनता, सीधी बात है इससे ये बनेगा, यदि आपके पास में ये कंपाउंड है तो इससे S ये बनेगा, आप समझ रहे हैं, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट और हाइड्रोलाइसिस वाली है, और फाइनली फिर से क्या करा दिया गया है, डिहाइड्रेशन करा दिया गया है। सो इसका मतलब इसमें B और D को हम करेक्ट कंसिडर करेंगे, कैसे किया समझ रहे हैं, यहां से आप आसानी से करा सकते हो, RMGX की रिएक्शन है ये, तो RMGX की रिएक्शन है, समझ रहे होंगे, यहां से बच्चे इतने तो सभी समझदार हैं कि RMGX की रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस इसका मतलब अल्कोहल में बदलेगा और फाइनली फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे,
इनऑर्गेनिक का आ गया है, इनमें से कौन सा करेक्ट कौन सा गलत है, ये प्रश्न कह रहा है कि FeCl4- माइनस में चतुष्फलकीय ज्यामिति है, यानी कि क्या टेट्राहेड्रल है, ये दो देखने से ज्ञात होगा। ठीक है, इसको देखा जा सकता है आसानी से। सबसे पहले तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो प्लस का 3 आएगी, इजी है ये तो फाइंड आउट करना। प्लस 3 में क्या कॉन्फिगरेशन होगा बेटा इसका, 3D6 4S2 होता है ना, यानी 3D5 4S0 4P0 हो जाएगा। क्लोरीन एक वीक लिगेंड है, समझते हैं सभी बच्चे, क्लोरीन एक वीक लिगेंड है तो वो इन डी इलेक्ट्रॉन को तो कुछ नहीं चेंज कर सकता, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। Cl WFL होता है, WFL समझते हो, वीक फील्ड लिगेंड, क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। सो इसीलिए यहां पर यह स्टेटमेंट करेक्ट नजर आता है कि भाई ये टेट्राहेड्रल होगा क्या, बिल्कुल। CoEnNH3 होल्ड ट्वाइस Cl2 में दो GI हैं, इसको थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। देखिए इसको मैं यहां बता रहा हूं, CoEnNH3 होल्ड ट्वाइस Cl2 प्लस, ये आपका कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है इन्होंने, और इसमें ये बेसिकली किस तरह का कॉम्प्लेक्स हो गया याद करो तो MAA है ना, MAA B2C2 काइंड ऑफ हो गया। यदि इसमें याद हो तो आपको तीन GI होते हैं, कैसे तीन जीआई होते हैं देखिएगा, ऑक्टाहेड्रल है, समझते हैं अष्टफलकीय ज्यामिति है, ये मैंने डबल ए जोड़ दिया यहां पर। ओके गाइस, अब देखो या तो बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस हो सकता है, एक तो ये आ गया निकलकर जिसमें बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस स्ट्रक्चर है, यह एक तो निकलकर आया जिसमें बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरी बार क्या कर सकते हो, दूसरी बार हम ये कर सकते हैं कि C के रिस्पेक्ट में ट्रांस, उसको ट्रांस ही बोलते हैं फिर। ठीक है ना, ये ट्रांस हो गए, दो तो ये आपके ट्रांस हो गए इसके अंदर, है ना, और एक सिस आ सकता है जिसमें कोई भी ट्रांस ना हो, वही सिस होता है। तो इसका मतलब क्या पोजीशन में जोड़ेंगे हम इनको, किस तरह से जोड़ेंगे बेटा, ये आपका एम है, यहां पर बी और बी, सी और सी, और इधर डबल ए, ये आपका सिस वाला हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि इसमें तीन जीआई है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आपसे करेक्ट ही पूछा हुआ है। FeCl4 हैज हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देन दिस वन, यानी कि FeCl4 माइनस का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहना चाहिए, वह CoEnNH3 होल ट्वाइस Cl2 से अधिक है। देखिए अभी तो हमने देखा, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर कि 5 से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो इसमें कहां से हो पाएंगे, हालांकि क्रॉस चेक कर लेंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही ही लग रहा है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आ गई है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो बहुत मतलब ऊंची कंडीशन मानी जाएगी। इसको देख लेते हैं एक बार कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। कोबाल्ट यहां बेटा 3+ में है, देख रहे हैं 3+ में होते ही इसको मैं 3D6 बोल दूंगा, और देखिए कोबाल्ट 3+ पे चार्ज हाई है निश्चित तौर पर, और यहां पर EN भी अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे, सो ऐसी कंडीशन के अंदर ये कंफर्म है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको यह पेयर ही कराएगा, यानी कि यहां जो आपका हाइब्रिडाइजेशन की गुंजाइश है वह D2SP3 लगती है। सो क्योंकि CO3+ पे वैसे भी चार्ज हाई है तो स्प्लिटिंग ज्यादा ही करेगा ये, सो यहां पर कंपैरेटिवली स्प्लिटिंग इसकी हाई होगी, विपाटन समझते हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, D2SP3 होगा। सो बेटा यहां तो μ0 ही हो जाएगा, नहीं ये करेक्ट नहीं है, फोर्थ वाला करेक्ट नहीं है, इसमें sp3d2 बोला ये करेक्ट नहीं है, D2SP3 वाला करेक्ट है। समझ रहे हैं, FeCl4 माइनस का चुंबकीय आघूर्ण निश्चित तौर पर ज्यादा होगा, FeCl4 चतुष्फलकीय होगा, और CO वाले के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो नहीं होंगे बच्चों, बल्कि 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, इट इज हैविंग 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसका मतलब ऑप्शन नंबर A and C आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, विथ रिस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट क्लोरेट पर क्लोरेट, पहले तो इनके फॉर्मूले मालूम होने चाहिए कि भैया ये कौन है ना, तब तो ये प्रश्न बने। तो देखिए 4 एसिड होते हैं, हमेशा याद रखना इनके नाम आते हैं काम, HOCl, HClO2, HClO3 काफी पॉपुलर एसिड है, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न कोई ना कोई जरूर चला आता है। अब इनके जो आयन बनते हैं ना बेटा, वो बनता है CLO- CLO2- CLO3-
ClO4 माइनस, इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपो हैलाइट। ठीक है, पहली बात तो ये मालूम होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हैलाइट। ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये हैलाइट है। ये क्वेश्चन काफी हद तक एनसीईआरटी से बिलोंग करता है, पूरा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ हद तक। और ये लास्ट में जो दिखाई दे रहा है वो है पर हैलेट, पर हैलिक एसिड का जो बनता है उसको पर हैलेट बोल देते हैं, सिंपल है। तो सबसे पहले तो हमको ये चार नाम आने चाहिए, और कोई यदि जेई मेंस उत्तीर्ण है तो लगभग लगभग उसको ये नाम ध्यान होते हैं, ठीक है ना। सो हाइपो हैलाइट, हैलाइट, हैलेट, पर हैलेट। अब प्रश्नों पर जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। द हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड बेस। हाइपोक्लोराइट भाई क्लोरीन होगा तो क्लोराइट बोल देंगे ना, हाइपोक्लोराइट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड बेस। संयुग्मी क्षार, देखो सिंपल है इसका लॉजिक भी, सबको मालूम है कि HClO4 सबसे प्रबलतम एसिड है, यह क्रम होता है, यह क्रम अक्सर पूछा जाता है, यह अम्लीय क्षमता का क्रम है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो बेटा जब इसका कॉन्जुगेटेड बेस तो हमेशा उल्टा होता है, नहीं जानते हैं ना, कॉन्जुगेटेड बेस जो है उसके लिए ऑर्डर जो होता है वो अपोजिट होता है, हाल ही में हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था ये। सो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। सो भाई क्वेश्चन ये है, फर्स्ट ऑप्शन में ये पूछा गया है कि क्या द हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये करेक्ट है। द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सीएल। जो हमको तीन यहां पर, चारों नहीं दिए, तीन ही चर्चा किए, हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट एंड परक्लोरेट। देखिए इनकी यदि आप स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ClO- में, हालांकि आप ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास है तो सही नेगेटिव चार्ज है तो सही, मतलब इस पे लॉन पेयर तो है, लेकिन लॉन पेयर स्ट्रक्चर डिसीजन में कैसे काम आएगा बताइए। अरे एक तो बॉन्ड है, क्या फर्क पड़ता है, या कितने लॉन पेयर है कोई फर्क नहीं पड़ता, या कितने लॉन पेयर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें, ठीक है। फिर बात आती है ClO4- की, आप समझ सकते हैं ClO4- में भी कोई लॉन पेयर है ही नहीं, सात तो बॉन्ड बना लिए इसने, इसमें कोई लॉन पेयर ही नहीं है, लॉन पेयर है ही नहीं तो फिर फर्क कैसे पड़ेगा। हाँ, सिर्फ क्लोरेट आयन एक ऐसा है जिसके अंदर स्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा, क्योंकि क्लोरेट आयन के अंदर जो स्ट्रक्चर है आपकी उसके ClO3- है ना, So, यहां पर इस पर लॉन पेयर भी मौजूद है और यह इसकी स्ट्रक्चर को भी डिसाइड करने वाला रहेगा, ठीक है ना। अभी तो हमने ये सिमेट्रिकल इस तरह से नहीं होता है, ठीक है, वो तो हमने शो कर दिया इसको, क्लियर बच्चों। सो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है, द हाइपोक्लोराइट एंड क्लोराइट आयन डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव द आइडेंटिकल सेट ऑफ आयन, यानी कि इन दोनों से विषमानुपातीकरण करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन करते हैं तो क्या सेम प्रोडक्ट बनता है क्या। तो देखिए बेटा OCl- को जब हीट करते हैं ना तो ये Cl- प्लस ClO3- में बदलता है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर है, आई थिंक रेडॉक्स में है या कहीं ना कहीं, तो ये दे रखिए। और दूसरा कह रखा है कि क्लोरेट आयन यानी ClO3- को जब आप हीट करेंगे ना बेटा तो Cl- प्लस ClO4- बनाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। हाइपोक्लोराइट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड बेस, ये भी सही है। द हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइज द सल्फाइट आयन, क्या सल्फाइट आयन को ऑक्सीडाइज करता है, तो हाँ आसानी से इसको, ये सल्फाइट को ऑक्सीडाइज करता है SO42- प्लस Cl-। एटलीस्ट इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तो कोई भी कर सकता था, या छोड़ो फर्स्ट और थर्ड तो आप कर ही सकते थे, ठीक है ना, लेकिन इसमें वैसे करेक्ट सभी, सारे नहीं भी हो पाए, जैसा मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन में यदि आपको सारे नहीं भी आते हैं तो एडवांटेज है कि थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करो और अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश की जा सकती है, इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा इसके अंदर, ठीक है ना। सी वाला करेक्ट नहीं है इसके अंदर, सी वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सेम सेट ऑफ आयन, तो सेम तो नहीं बन रहे, सी वाला करेक्ट नहीं है, सेम सेट ऑफ आयन नहीं बन रहे। देखो यहां पर इसको जब मैं हीट कर रहा हूं तो सेम सेट ऑफ आयन तो नहीं बन रहा, अलग अलग बन रहे ना, देखिए अलग अलग बन रहे, सेम तो नहीं बन रहा, ठीक है ना। सो इसका मतलब ए बी एंड आपका डी करेक्ट है, सी इज नॉट करेक्ट, सी इनकरेक्ट है, क्योंकि सेम नहीं बन रहा है, ये यहां पर क्लोरेट बना रहा है, यहां पर क्लोरेट बना रहा है, ठीक है बच्चों। सो
क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है बात समझ गए होंगे। सभी फैक्ट हमने यहाँ आपको बता दिए जो भी इस प्रश्न से संबंधित थे। ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर से प्रश्न क्या कहना चाह रहा है मैं बताता हूँ। ये एम एक्स है भैया, ये जो ब्लैक कलर के वो एक्स है, बड़ा कलर का जो है वो एम है, यानी ये आपका एम है, और नहीं ये आपका एक्स है, ये आपका एम है, ठीक। अब बोला है कि फॉर्मूला इसका एम एक्स होगा क्या, ये तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, ये तो बहुत ईजिली आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे, एम एम की संख्या निकालो, एम जो है वो फलक पर है, फेस पर है, दो फेस पर है, कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ लेते हैं सो वन आ जाएगा। एक्स जो है वो एजेस के बीच में है, एजेस के बीच में दिख रहा है आपको, तो एजेस के बीच में 1, 2, 3, 4 कॉन्ट्रीब्यूशन इसका 1/4 हो जाएगा, तो एम एक्स टाइप का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है कि कैटाइन एम एंड एनायन एक्स हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्रीज। इसका सीधा मतलब है कि भिन्न भिन्न कोऑर्डिनेशन नंबर है। सरल भाषा में बात करूं तो क्या भिन्न कोऑर्डिनेशन नंबर है दोनों का, डिफरेंट है, नहीं हो सकता। क्यों, एम एक्स फॉर्मूला आ रहा है, एम एक्स फॉर्मूला बताता है कि जब नंबर सेम है तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम ही हुआ करता है, तो ये अलग होगा ही नहीं, ये सेम ही होगा, ठीक है ना, ये अलग होगा ही नहीं, ये सेम होगा। द रेशो ऑफ, इसका मतलब ये आपका करेक्ट नहीं है, द रेशो ऑफ एम एक्स बॉन्ड लेंथ ऑफ द क्यूबिक सेल इज 0.866। ये देखो थोड़ा सा इसमें आप तकलीफ में आ सकते हो, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान देना आप बच्चों, बहुत ध्यान से देखो ना, तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर है ना वो सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है। आप बोलेंगे सर सीजियम क्लोराइड तो अलग होता है इसके अंदर, ऐसा कहाँ होता है सीजियम क्लोराइड, तो देखो मैं बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि बेटा ये सीजियम क्लोराइड टाइप की ही स्ट्रक्चर है, पर क्योंकि ये आईआईटी वाले हैं ना तो सरल चीज़ों को भी घुमाने की आदत है इनकी, ठीक है। देखो यहाँ ये आपको एक्स लगवाए हुए हैं और ये आपके दो इधर एम लगाए हुए हैं। अब देखिए ध्यान से देखें, यदि मैं यहां एक साइड में और मान लूं, यदि मैं साइड में एक और क्यूब कंसिडर कर लूं, यदि मैं साइड में एक और क्यूब कंसिडर कर लूं, है ना, साइड में मैं एक और क्यूब कंसिडर करता हूं, तो एक बात आपको क्लियर दिखाई दे जाएगी। यदि मैं साइड में एक और क्यूब, मैंने यहां साइड में एक और क्यूब कंसिडर किया है, यदि मैं एक क्यूब और कंसिडर साइड के अंदर करता हूं ना, तो देखिए ये जो, इसको भी जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर लेकर के, देखिए जोड़ते हैं इसको अभी अपन, थोड़ा सा इसमें क्या है इमेजिनेशन वाला मामला है इसलिए तकलीफ दे रहा है, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का सा इमेजिनेशन का मैटर है ये। देखिए यदि एक क्यूब और मैं यहां साइड में कंसिडर करता हूं तो आप देख पाएंगे कि ये इधर चार ऐसे के ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, ये देखो ये चार ऐसे के ऐसे हो गए ना। अब इसको मैं डार्क कर देता हूं तो आप बात को समझ जाएंगे। ये देखिए ये एक और मैंने क्यूब साइड में कंसीडर कर लिया। देखिए हमेशा सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन में इमेजिनेशन वाला पोर्शन भारी प्रभावी रहता ही है ना, इमेजिनेशन वाले प्रश्न हमेशा दिखाई देते ही हैं। तो अब आप देखो यदि मैं इसको एक क्यूब मानता हूं, इसको मैं क्यूब मानता हूं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोने हो जाएंगे और एक सेंटर के अंदर सीजियम नहीं आ जाएगा, जस्ट लाइक जैसा कि सेंटर में सीजियम होता है वैसा नहीं हो जाएगा क्या ये? देखिए ये एक क्यूब कंसिडर करूं तो यहां पर 1, 2, 3, 4 ये कोने पर, सीजियम क्लोराइड में क्या होता है, क्लोराइड आपके कोने में होते हैं और सीजियम सेंटर में होता है, तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये सेंटर के अंदर सीजियम आ जाएगा ना, ये एक्स हो जाएंगे और ये आपका एम हो जाएगा। सो ध्यान से देखें तो ये सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है मेरे भाई, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये वाला जो बॉडी डायगोनल है बेटा वो √3a होता है, इसका मतलब एम एक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, √3a/2 नहीं होगी, होती है सीजियम क्लोराइड में √3a/2 ही होती है, और √3a/2 ये बोल रहे हैं कि √3a/2 / a करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर √3/2 आएगा, और इसका जो उत्तर आएगा सॉल्व करेंगे 1.732 होता है ये, तो ये आपका 0.866 आ जाएगा।
समझे हैं कैसे ये CsCl टाइप स्ट्रक्चर है, उसी को घुमा करके दे दिया है, थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाएंगे ना तो ये दिखाई दे जाएगा कि ये सीजियम क्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर, देखिएगा थोड़ा सा इमेजिनेशन को यदि आप बेटर करें तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरा एक क्यूब मान लूं तो ये सेंटर में एम आ जाएगा और आठ कोनों पर आपका एक्स होगा, ठीक। और सीजियम क्लोराइड टाइप के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है दोनों आयंस का, 8 होता है। सो रेडियस रेशो क्या होता है इसमें, रेडियस रेशो क्यूबिक वर्ड में होती है ना बेटा, क्यूबिक वर्ड में कितना रेडियस रेशो होता है, क्यूबिक वर्ड में 0.732 रेडियस रेशो होता है। वैसे भी देखिए ये कितनों से घिरा है, 8, 4 और 4, 8। नहीं भी सीजियम क्लोराइड पता चल रहा तो भी इमेजिनेशन तो कर सकते हैं ना कि ये 8 से घिरा हुआ है, यानी कि बच्चों इसके अंदर यह सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, ए सी डी तीनों ही करेक्ट हैं इसके अंदर, क्योंकि नहीं डी करेक्ट नहीं है, 414 कह रखा है, डी करेक्ट नहीं है, 414 कह रखा है, 414 नहीं है, 414 तो ऑक्टाहेड्रल का होता है, यहां 732 आएगा, 0.732 आएगा, 0.732 आएगा, डी करेक्ट नहीं है, बी भी करेक्ट नहीं है और डी भी करेक्ट नहीं है, समझ गए। बहुत ही अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल मान सकते हो आप इसको। आप थर्ड सेक्शन आता है, ये जो है वो आईटी वालों ने इस तरह के सेक्शन में क्या करते हैं आईटी वाले, अक्सर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रख देते हैं, है ना। सो इसमें टाइम सबसे बड़ी समस्या है, समय बहुत लगता है, बच्चे को क्वेश्चन आता तो है। एक तो ये वो पोर्शन है जिसमें कॉन्सेप्ट मिक्स किए जाते हैं हमेशा, ठीक है ना। न्यूमेरिक इंटीजर वाले में स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत कम आएगा, हमेशा कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग होती है बहुत भारी वाली, पहली बात। दूसरा उसके कैलकुलेशन भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसमें अच्छी बात सिर्फ एक है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, जीरो इन ऑल अदर केसेस, क्योंकि तुक्के मारने की तो गुंजाइश ही नहीं है, आंसर आएगा कुछ ना कुछ तो ही तो आप लिखेंगे, इसलिए फिर वो जीरो ही है ना, तुक्के की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें, तो इसमें आर या पार है, आएगा तो चार, नहीं आएगा तो जीरो, बस खत्म किस्सा, ठीक। अब देखिए इतनी सारी जो कहानी लिखी है ना उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि 5 ml 0.1 ml ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन है, कॉनिकल फ्लास्क में लिया है, टाइट्रेशन कर रहे हैं और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला है, NaOH रिक्वायर्ड टू अपीयरेंस ऑफ परमानेंट फ्रेंड कलर स्टेबिलिटेड बिलो फॉर 5 एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें क्या चालबाजी है, कुछ भी नहीं है, ये प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न N1V1 बराबर N2V2 से हो रहा है, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिली इक्विवेलेंट दोनों तरफ बराबर करने हैं, ऑक्सैलिक एसिड के मिली इक्विवेलेंट NaOH के मिली इक्विवेलेंट के बराबर करने, दैट्स ऑल, इतना सा प्रश्न है। पर ये जो NaOH का वॉल्यूम है आप देखो 5 वैल्यू दे दी, यही इनकी चालाकी होती है, हमेशा बच्चों को थोड़ा सा उलझा देते हैं। अब 5 में से लेनी कौन सी है, तो उसमें सीधी बात है कि जहां कंसेक्यूटिव 3 करेक्ट आती है ना वो हम लोग सही मानते हैं। यदि किसी बच्चे ने टाइट्रेशन किया होगा तो उसको मालूम होगा कि अक्सर वो तीन रीडिंग लेता है, उसमें 2 जो सेम रीडिंग आ जाती है ना, जब तो फिर उसको वो कंसिडर कर लेता है कि हाँ ये आंसर सही है, जो 2 सेम रीडिंग वाली है ना उसको वो कंसिडर करता है कि ये आंसर सही है, आपको ध्यान आता होगा। तो यहां इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, 5 रीडिंग दे दी और थोड़ा सा बुद्धि लगवाई है कि क्या बच्चा ये सोच पाता है कि नहीं कि इसमें से कौन सी मैं यूज करूं, तो जो करेक्ट है वो 3 जो आ रही है वही होगी। कभी भी लैब में जब टाइट्रेशन कराया जाता है तो 1 रीडिंग थोड़ी ना लेते हैं हम, वहां 3 रीडिंग का प्रावधान होता है। वो एक अलग बात है कि पहली रीडिंग आती है फिर हम थोड़ा सा माइनस करके 2 लिख करके और यह चल रहा है प्रोग्राम, अक्सर लैब में ऐसा होता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहां क्या है कि ये 2 और ये 3 रीडिंग, 3 एक्यूरेट लगातार आ गई, इसका मतलब यहां 9 ml आपको लेना है, बस इतनी सी बात थी इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं करना, आसान प्रश्न है ये। अब आपको मालूम है कि ये मोलेरिटी इनटू क्या हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी ले लेंगे, है कि नहीं बेटा, इनटू इसका वॉल्यूम ले लेंगे, इधर क्या होगा, इसकी मोलेरिटी NaOH है तो इसकी बेसिसिटी नहीं एसिडिटी आएगी, इनटू इसका वॉल्यूम हो जाएगा। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी 2 होगी, NaOH की बेसिसिटी एसिडिटी 1 होगी, वैल्यू पुट करेंगे ये आंसर इसका आ जाएगा 0.11, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, केवल इतना सा फंसाया है कि हम NaOH का वॉल्यूम क्या लें सर, NaOH का वॉल्यूम क्या लें, इतना ही परेशान किया गया है केवल, ठीक है। बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मिली इक्विवेलेंट बराबर करने वाला सीधा सट सवाल है, पर ये कर सकते थे बच्चे, मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल इंटीजर में से ये बच्चों ने कर दिया होगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान कैलकुलेशन मानी जाएगी। अब ये देखिए ये प्रश्न, ये भी बड़ा लंबा चौड़ा नजर आता है कि भाई ए और बी लिया है, मैं समझा दे रहा हूं प्रश्न को,
2000 केल्विन पर इक्विलिब्रियम आ गया है, पर प्रेशर हमने 1 bar ही रखा है इसका, किसका, ए का, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज 1 bar। अब बोला है द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एट 1000 and 2000 केल्विन, यहां एक बहुत ही पॉपुलर रिलेशन इस्तेमाल किया जाएगा भाई, -2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम, जो कि फिलहाल केपी होगा। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, दो सिचुएशन में हमको केपी निकालना पड़ेगा। पहले केपी कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सबसे पहले एक तो आपका 1000 केल्विन पे पूछा है, दूसरा 2000 केल्विन पे पूछा है, ठीक है ना, 1000 पर और 2000, दो कंडीशंस में आपको पूछा हुआ है। सो देखिए केपी पहले निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन में कैसे आएगा केपी, कैसे आएगा पार्शियल प्रेशर, केपी वन कह देता हूं इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक बात, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है, देखो बेटा ये रहा 10 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 10 है और ए तो 1 ही लेना है, तो ये 10 आ गया भाई। केपी 2 क्या है, केपी 2 भी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लेंगे, जो कौन से टाइम का है, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यहां पर 100 है, ठीक है, यहां 100 है और ए तो 1 ही लेना है, तो ये 100/1 ये हो जाएगा आपका 100, ठीक। अब आपको रेशो लेना है, तो डेल्टा जी नॉट 1 इज इक्वल्स टू 2.303 के हटा दीजिए, कुछ नहीं मिलना उसे, आर टी है ना लॉग केपी 1 अपॉन वही आर टी, यहां पर भी टी अलग अलग है बेटा, ये टी 1 है ये टी 2 है, ये लॉग केपी 2, ये आपका रेशो हो जाएगा। इसके बारे में पूछा हुआ है इस प्रश्न के अंदर, 1000 केल्विन और 2000 केल्विन पर रेशो क्या आएगा, तो केपी 1 केपी 2 की वैल्यू रखनी है, टी 1 टी 2 की 1000 2000 हो गया, ये रेशो आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ कोई बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है ऐसा भी नहीं है, दोनों वैल्यू आप रख सकते हैं। बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है कि टी 1 आपका 1000 है, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, टी 1 आपका 1000 है, लॉग केपी 1 ये आपका 10 है, ठीक है, लॉग केपी 1 और ये आपका 1000 है, ये आपका 2000 है ना, इनटू ये 10 बाई लॉग के अंदर है, 10/100 यानी ये लॉग 1/10 हो गया, लॉग 1/10 हो जाएगा, नहीं केपी 1 अपॉन केपी 2 करना है, केपी 1 2000 केल्विन पर इंक्रीज टू 2000 एंड द सिस्टम वाज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम 1000 पे, ये 1000 पर है और ये आपका 2000 पर है, टेम्परेचर सिस्टम वाज इंक्रीज 2000 द सिस्टम वाज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम थ्रू आउट दिस एक्सपेंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड इन 1 bar एंड गिवन बिलो द प्लॉट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विद द टाइम, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हमने निकाल दिया, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो एक तरफ 10 दिख रहा है, दूसरी तरफ आपका 100 दिख रहा है, तो एक तरफ 10 है दूसरी तरफ 100 है, तो आसानी से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या वैल्यू इसकी आने वाली है, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा आंसर 0.25 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, उम्मीद है ये प्रश्न आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी भी तो नहीं मान सकते और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट डिफिकल्ट आप इस पेपर का क्वेश्चन मान सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं भाई, इसमें इलेक्ट्रो भी ले लिया ने उन्हें, इसमें थर्मो भी ले लिया, इसमें इलेक्ट्रो और थर्मो दोनों को मिला दिया है, ठीक। अब करना क्या है बेसिकली, पहले तो मैं इसका सार बताता हूं कि क्वेश्चन है क्या। ये बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन हमने करवाई, फ्यूल सेल समझते हो ना, फ्यूल सेल जानते होंगे, उम्मीद है आप फ्यूल सेल जानते होंगे, तो फ्यूल सेल की एफिशिएंसी जो दे रखी है वो 70% है, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी जो है वो आपका 70% दे रखा है। फिर हमसे कहा कि 70% एफिशिएंसी वाला एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है जिसमें जो रिएक्शंस होती है वो दे रखी हैं, आपके सामने दोनों रिएक्शंस है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, आपके सामने दोनों रिएक्शंस दे रखी हैं और इनकी हेल्प से हमको ये पता करना है, इसकी हेल्प से हमको ये पता करना था कि यहां पर जो भी रिएक्शन हो रही है उससे जो वर्क डन है वो आप यूज कर रहे हो आगे, ठीक है ना, जो वर्क डन यहां हो रहा है ना उसका इस्तेमाल आप आगे कर रहे हो,
जो वर्क डन हो रहा है उसका यूज आप आगे कर रहे हो। वर्क डन कैसे निकालेंगे, यदि आपको मालूम हो तो डेल्टा जी जो होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। याद करो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है कि किप्स मुक्त ऊर्जा में हुई कमी जो है वो उपयोगी कार्य के बराबर होती है। उम्मीद है आपको ध्यान होगा, गिब्स फ्री एनर्जी में जो कमी होती है वह यूजफुल वर्क के बराबर बताई जाती है, है ना। गिब्स मुक्त ऊर्जा में हुई कमी जो है वह यूजफुल वर्क के हम बराबर लेते हैं। ध्यान होगा, उम्मीद है ये चीज आपको याद होगी, ठीक है ना, उम्मीद है ये बात आपको ध्यान होगा। क्लियर बच्चों? सो करना क्या है, देखिए क्या करना है, ये तो पिछला वाला है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर बताता हूं। ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से वर्क ऑब्टेंड करो। ये वर्क जो होता है ना वो डेल्टा जी के बराबर होता है। तो डेल्टा जी नॉट से, डेल्टा जी नॉट से जो कि माइनस एन एफ ई नॉट के बराबर होता है, वर्क आ जाएगा। इस वर्क का इस्तेमाल और आगे करने के लिए कह रहा है, द वर्क डिराइव फ्रॉम द सेल। देखिए ये कहा है कि इस सेल से जो वर्क डिराइव हो रहा है, कंजप्शन ऑफ दिस मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका इस्तेमाल किया वन मोल ऑफ मोनो एटोमिक आइडियल गैस इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इसका मतलब एडियाबेटिक, एडियाबेटिक है। तो देखिए मैं इसका सिस्टम आपको समझा देता हूं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल से लिया, उससे डेल्टा जी नॉट, सबसे पहले आप क्या करोगे, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट निकालोगे और ये वर्क डन के बराबर होगी पर मोल, है ना। ये एक मोल हाइड्रोजन के लिए जो वर्क है उससे जो वर्क आएगा उसके बराबर होगा। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको मालूम है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट किया करते हैं, जो कि यहां आंकड़े दे रखे हैं दोनों डेटा को, ये रहा 1.23 और 0.0 है, तो 0.0 है तो वो 1.23 ही आ जाएगा वापस। ये तो आ गया आपका ई नॉट, एन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 2 है, फेराडे 96500 कूलाम होता है, ठीक है। 2 कैसे है देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है कि H2 का एक मोल यदि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ना, सो 2 मोल्स हो गया। यहां से NFE लगाकर E नॉट सेल की हेल्प से डेल्टा G नॉट आ जाएगा, डेल्टा G नॉट बराबर वर्क है। और इसका अपन को क्या लेना है, 70% लेना है, क्योंकि यहां लिखा है स्पष्ट रूप से कि 70% इफिशियंट है ये, सिर्फ ये जो भी वर्क आया ना डेल्टा जी के बराबर जो आया उसका 70% लेना है, यानी जो आंकड़ा आएगा वो 0.7W आएगा। ये फॉर वन मोल है, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, वन मोल हाइड्रोजन नहीं यूज करना है आपको, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, कितना मोल हाइड्रोजन का बेटा, कितना मोल हाइड्रोजन का यहां दिया हुआ है, देखिएगा आपको 1 × 10⁻³ मोल हाइड्रोजन दे रखा है, ये देखिए, यानी कि इसको मैं कन्वर्ट करूंगा करस्पॉन्डिंग टू 0.7 × W × 10⁻³। ये मेरा वर्क है, इसकी हेल्प से मुझे एडियाबेटिक वर्क करवाना है, एडियाबेटिक कंप्रेशन करवाना है। देखिए यहां कह रहा है कि एडियाबेटिकली उसको आप कंप्रेस कीजिए, तो एडियाबेटिकली वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है बताइएगा, W रुद्धोष में इसको बोलते हैं बेटा एडियाबेटिक, आपको ध्यान है, उम्मीद है आपको याद होगा, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, दो तरह के वर्क डन हम करते हैं और एडियाबेटिक का क्या फॉर्मूला होता है उसका यहां यूज कर लीजिए। एडियाबेटिक का फॉर्मूला आपको क्या ध्यान आता है, इट इज व्हाट, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, मोनो एटॉमिक है तो इसका मतलब गामा जो है वो 5/3 हो जाएगा। ये डब्ल्यू रुद्धोष में यहां ये वाला आपको यूज करना है, ये जो दे रखा है ना यहां से आप जो निकाल के लाए वो वाला यहां इस्तेमाल करना है, डेल्टा टी आ जाएगा, एन मालूम है आर मालूम है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत लेंदी प्रश्न माना जा सकता है और इस पेपर का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेस बहुत लंबा है और कई सारे कॉन्सेप्ट मिलाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जिसको समझने में परेशानी हो, इस तरह का नहीं है, लेकिन पहले ये W निकालना, उसका 70% करना, फिर इस पर्टिकुलर मोल के लिए यूज करना, फिर यहां फॉर्मूले में यूज करना, उससे डेल्टा टी आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। ये कह रहे हैं बेटा कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप H2SO4 से करा रहे हो, जो हाइड्रोजन बनी ना उसका वॉल्यूम पता करो, तो PVNRT लगा देंगे, पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो। मुझे लगता है कि
ज़्यादातर बच्चों ने इसे सही कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद है। बैलेंस करेंगे, ये 3 मोल आएगा, यहाँ पर भी ये 3 मोल आएगा। अब ये कितना ग्राम दे रखा है आपको, 27 ग्राम है, 5.5 ग्राम है, 5.4, तो 5.4 डिवाइड बाई 27 हो जाएगा। H2SO4 मिली मोल है, H2SO4 के तो मिली मोल दे रखे हैं, तो उसको सीधा मोल में बदलो, तो 50 × 5 × 10⁻³ ये सीधे सीधे इसके मोल आ गए। LR डिसाइड करो, यही LR आने वाला है, यही LR आएगा, तो 3 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन बनते हैं। यहां पर कितने मोल हैं इसके, देखिए 0.25 मोल, तो 0.25 मोल से बेटा हाइड्रोजन के भी कितने बनेंगे, 0.25 मोल बन जाएंगे। इसके आगे का काम आसान था, ये न्यूमेरिकल इंटीजर के अंदर एक आसान प्रश्न माना जा सकता है। यहां सीधे सीधे पीवी इक्वल्स टू क्या लगाना था, NRT, देख लीजिए, इट इज बेसिकली एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, आप इसमें बोल सकते हो कुछ हद तक गैस वाला कॉन्सेप्ट लगा है, लेकिन PV NRT बहुत बेसिक इक्वेशन है, उसके लिए कोई गैस स्टेट पढ़ा हुआ होना जरूरी नहीं है, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है जिसने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है ना, जिसने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो इस प्रश्न को आसानी से कर सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, इसको डिफिकल्ट नहीं माना जा सकता। IT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसे प्रश्न जरूर दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री से संबंधित है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ना तो 11th में है ना तो 12th में है सिलेबस वाइज देखा जाए, फिर भी अभी तक IIT वालों ने रखी हुई है। शायद वो इसलिए है क्योंकि इसका बहुत हद तक पोर्शन आपका फिजिक्स में भी कवर हो जाता है, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स कराते हैं, सारा के सारा वो जो न्यूक्लियर फिजिक्स में है वही कि वही आपका केमिस्ट्री के अंदर है। ठीक है ना, प्लस थोड़ा सा काइनेटिक्स है। सो अब प्रश्न क्या है बच्चों, 92U238 है, इससे आप बना रहे हो 82PB206 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, ऐसा कह रहा है कि अल्फा से काम हो जाएगा केवल, नहीं होगा, क्यों, देखो कितने अल्फा, 92 से 82 हो रहा है, 92 से 82 हो रहा है, और 2He4 मास देखो इसका, आप तो 238 है, 238 से 206 यानी 32 की कमी आ रही है, इसका मतलब 8 अल्फा पार्टिकल्स हो गए। अरे 238 से 206 हो रहा है, 238 माइनस 206 इसका मतलब 32 कमी आ रही है, एक अल्फा की वजह से 4 की कमी आती है, तो इसका मतलब 8 अल्फा पार्टिकल्स हो गए। अब 8 अल्फा पार्टिकल्स में कंसिडर करता हूं तो ये आपका 16 से कम होना चाहिए, 16 से कम नहीं हो रहा, ये तो 10 से कम हो रहा है, इसका मतलब 6 इसमें क्या होंगे, क्या होंगे, बीटा पार्टिकल होंगे, है ना, जानते हो बीटा पार्टिकल भी निकलेंगे, 6 इसमें बीटा पार्टिकल निकलेंगे। उम्मीद है जिन बच्चों ने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी है वो इस बात को समझ रहे होंगे कि बीटा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो 8 इसमें अल्फा हैं और 6 बीटा हैं, पहली जानकारी आ गई। अब बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इट वुड बी इमिट ड्यूरिंग इट्स रेडियोएक्टिव डीके इन 3 हाफ लाइफ, ध्यान रखें 3 हाफ लाइफ इज Z × 10⁻², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, इनिशियली कुछ दे रखी होगी, कंटेन दिस ग्राम, इतना ग्राम आपको दे रखा है 92U238, यानी कि सीधी बात है मोल्स पता कर लीजिए यूरेनियम के, और वह कितने आने वाले हैं, मास कितना है बेटा, 68 × 10⁻⁶, 68 × 10⁻⁶ बाई 92, ये मोल्स आ गए यूरेनियम के। ठीक बात, बोल रहे हैं कि इसमें से आपने कितना, टू थर्ड हाफ लाइफ हो गई, ये थ्री हाफ लाइफ हो गई। तो आपको ध्यान है ये चीज हमने हम डिस्कस करते हैं कि n = n₀/2⁻N आता है, यानी कि जो भी इनिशियल था उसका 3 हाफ लाइफ यानी कि 8 टाइम्स रह जाएगा n, यानी शुरुआती जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, शुरुआती नंबर ऑफ एटम्स उसके कंपेयर में 1/8 एटम्स आपके रह जाएंगे इनिशियल के कंपेयर में, यानी कितना डीके हुआ वो आपको मिल जाएगा, डीके हुआ कितना, इनिशियल माइनस जो रिमेनिंग है यानी एन,
यहां से जो डीके हुआ वो पता चल जाएगा, और डीके वाले का पता चल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसी के करस्पॉन्डिंग अल्फा पार्टिकल का नंबर भी आप पता कर सकते हो। अल्फा पार्टिकल z इंटू 10^18 है, इसको आप आसानी से यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को बैलेंसिंग की जरूरत थी जो हमने कर दी है। मेन चीज इसमें यही थी कि आपको इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए था, इसको आपको बैलेंस करना चाहिए। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आप अपने आप पता लगा लेंगे। शुरुआती मोल निकाल करके जो डीके मोल है उसको माइनस कीजिएगा, उससे आपका कितना अल्फा पार्टिकल बना वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। 3/2 का मतलब आप समझते ही है ना। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड क्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड पी वाया एन आयोनिक इंटरमीडिएट। एक आयोनिक इंटरमीडिएट से बनता है। द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, समझते हो डी यू बोलते हैं इसको, असंतृप्तता की कोटि, असंतृप्तता की कोटि जिसको बोला जाता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जिसको बोला जाता है। तो देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, ये पीएच लिख देते हैं इसको हम, यहाँ पर भी ये पीएच है, यहाँ पर भी ये आपका पीएच है, और ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। अब इसमें आपने एच प्लस डाला है तो ये इस ओ पर अटैक करेगा और यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप इसको बना देगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये आपका, यहाँ बना रहा हूँ मैं, देख लीजिए, ये आपका कार्बोकेटायन बोला हुआ है, ये कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर भी एक क्या है आपका फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये रहा, ठीक है। बाकी पीएच वही फिनाइल ग्रुप है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी पीएच है। अब हुआ क्या कि ये एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये अटैक करेगा इस पर। इलेक्ट्रोफाइल को तो हमेशा बेंजीन रिंग तो पसंद करती है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा ये, इससे जाके जुड़ जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए वो ये बनेगा। देखिए ये पीएच है, यहाँ पर ये भी आपका पीएच है, ये डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, जोड़ दीजिए रिंग से, जोड़ दीजिए इसको, ये बन गई, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये अटैक करेगा यहाँ पर, इस रिंग पे अटैक करेगा, इसकी इस पोजीशन पे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और जो आपकी बेंजीन रिंग है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करती है। अब इसका जो आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, समझते हैं ना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, जैसे बेंजीन रिंग जो होता है उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 होता है, 3 तो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें और एक रिंग होता है। यदि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मालूम होगा तो आप समझ रहे होंगे, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, 16 तो ये हो गए, एक इसका और एक इसका, यानी 2 इसका हो जाएगा, एक रिंग का एक डबल बॉन्ड का। ये 4 कैसे है, 3 तो इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, 3 तो डबल बॉन्ड होते हैं और एक जो है वो आपका रिंग होता है। तो कुल मिलाकर के इसका 18 जो है वो लिखा हुआ है यहां पर, 18 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली एक बात कंफर्म है कि प्रैक्टिस चाहिए, अप्रोच चाहिए, ठीक है, मेहनत चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सारा ही पेपर करके आना होता है तभी आईआईटी मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 50% इस तरह के पेपर में अच्छा स्कोर माना जाता है, काफी अच्छा स्कोर आप कंसीडर कर सकते हो। तो इससे परेशान नहीं होना कि सर इतने सारे प्रश्न थे हमको तो कुछ आते हैं, आपको जो आते हैं ना उसको आप सही सही करते जाएंगे, 50% भी यदि आपका स्कोर होता है तो आपको ठीक ठाक आईआईटी मिल जाती है, और ज्यादा होता है तो बहुत खुशी की बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा पेपर जब आता है तो कट ऑफ भी बहुत हाई नहीं जाती है, कट ऑफ हो सकता है उससे भी काफी कम पर आपको बेटर कॉलेज मिल सके। ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट पर वह डिपेंड करता है, ठीक है। इस बार का जो पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट तो है ही, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते उसको, उससे भी ऊपर कैटेगरी में हम इसको रखेंगे, सो इट्स अ गुड पेपर। सेकेंड पेपर भी ऐसा ही था, सेकेंड पेपर में भी अच्छे कुछ क्वेश्चन हैं, उसको भी हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से चेक करें, देख लें, उम्मीद है अच्छा पेपर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।